किसान साथियों, मैं रमन त्यागी रविजोन फार्म फ्रेंड में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। किसान साथियों, आज हम देखेंगे अमृत टोका मशीन, मतलब कुट्टी काटने वाली मशीन, जो कि 3 HP मोटर से चलती है। और आज हम जानेंगे इसके बारे में और ये 1 घंटे में कितना चारा काट के हमारे किसान भाइयों को दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। वीर जी, आपका स्वागत है हमारे रविजन फार्म फ्रेंड में। जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं, उन्हें आप अपना और अपनी कंपनी एक छोटा सा परिचय दीजिए। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं वरिंदर सिंह, अमृत एग्रो इंडस्ट्री अहमदगढ़ से जी। हमारी इंडस्ट्री बेसिकली चारा मशीन है, जो सभी प्रकार की वो मैन्युफैक्चर करती है लास्ट 20 ईयर से। और हमारे पास ग्राउंडवरी सभी मॉडल्स अवेलेबल हैं जी। जैसे ब्लोअर वाला हो गया जी, लाइट और हैवी मशीन हो गई, जो पुराने ऑयल सिस्टम वाली मशीन थी वो भी है जी। और स्टील गियर में सभी प्रकार की मशीन मैन्युफैक्चर करते हैं। तो सर, जैसा हम इस टोका मशीन को देख रहे हैं जी, आप इसकी खासियत बताइए किसान भाइयों को कि क्या खास है। ऐसा है सर, ये हमारी जो है हैवी लोडर ब्लोअर मशीन है जी। इसमें पूरा हैवी वेट लगा हुआ है, हैवी फ्रेम है, हैवी व्हील है और इसमें 2 ब्लेड हैं। अच्छा, दोनों ब्लेड में क्या होता है कि एक तो ऐसा है कि इसकी कटाई बहुत सफाई से होती है और इसका व्हील है वो हैवी ड्यूटी है, 36 किलो का व्हील डाला हुआ है इसमें। अच्छा, और इसमें दो ऑप्शन है, जैसे ये है ऊपर ट्राली लोड करने के लिए जी, और एक है नीचे से नीचे डेरी लगाने में के लिए। जब कोई हम इसे नीचे से बंद कर देते हैं जी, तब ये लोडर ऑपरेट हो जाता है। लोड अगर हमने कहीं लोड करना है जहाँ हमने जैसे डेरी साइड में लगानी हो जी, जी। तो फिर ये यूज हो जाता है ऊपर का, टू इन वन है जी। और अगर हम नीचे से खोल देंगे तो नीचे वाला चलेगा। अच्छा, तो सर ये बताइए कि कितने HP के मोटर से चलती है। सर ये बेसिकली ये मशीन 3 HP रिकमेंड करते हैं हम जी। अगर मोटर पूरी फुल साइज होनी चाहिए जी, 3 HP पर चलेगी ये जी। जी, तो अगर हम बात करें जैसे आपने बताया कि 3 HP जी, तो वो सिंगल फेस या डबल फेस, दोनों ऑप्शन में चल जाता है, सिंगल फेस में भी डबल फेस में भी। अच्छा अच्छा, मोटर अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, ISI मार्क, फुल कॉपर वाइंडिंग की हो तो वो अच्छी काम करेगी। अच्छा सर, तो अगर हम बात करें इसके प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन मतलब कि 1 घंटे में कितना चारा ये काट सकती है। ये 1 से 1.5 टन चारा काट देती है 1 घंटे में जी। वैसे तो ऐसा है कि इसकी कैपेसिटी हम ऐसे नोट नहीं कर सकते आपको। मैं वैसे बता दूं कि ये इसमें से अगर आप 30 से 40 क्विंटल डेली का आप इससे यूज कर ले सकते हैं। ले सकते जी। अगर हम बिजली की बात करें तो बिजली की कितनी खपत हो जाएगी सर, अगर घंटे के हिसाब से देखें। ऐसा है कि सर ये इसकी मोटर की कंजम्पशन के हिसाब से ही है। अच्छा, अगर आप मानिए कि जैसे है लोड, जैसे चारा थोड़ा चार वाला होता है या ज्यादा वाला, मशीन का लोड ज्यादा हो जाता है तो इसकी कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है जी। तो आप वो उसकी एम्पेयर मीटर से आप अपनी मोटर के हिसाब से इसके एम्पेयर काउंट कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि वो भी ज्यादा या कम मोटर अपने हिसाब से लेती है। तो हम जैसे टोका मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी क्या मोटर साथ में देती है। मोटर की ऑप्शन है, लेकिन ऐसा है कि जो जैसे हमने ये मशीन का बेसिक प्राइस है 21,500 जी, इसके ये विदाउट मोटर प्राइस है। विदाउट मोटर जी, ठीक है। अगर आपने हमसे मोटर लेनी है तो लगभग 8,000 की 3 HP की मोटर हम देते हैं इसके साथ में। अच्छा, वो एक्स्ट्रा होता है, वो एक्स्ट्रा होता जी। ठीक है सर, अगर हम इसकी वारंटी की बात करें। वारंटी सर 1 साल की होती है। अच्छा, आपको चलने में कोई भी दिक्कत आए, जहाँ कोई वर्किंग प्रॉब्लम हो, जहाँ इसकी लोड प्रॉपर से नहीं काम कर रही, उसकी गारंटी होती है। अच्छा, और जैसे कि हम इसका पेंट देख रहे हैं, आपने बड़ी सुंदर पेंट किया हुआ है, रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन, तो ऐसा तो नहीं है किसान भाई इसको लेके जाए और कुछ टाइम में इसका पेंट उतरना शुरू हो जाए। जो जो पेंट जो हमने किया है ना, वो बिल्कुल टेस्टेड पेंट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का पेंट है। पेंट जाएगा नहीं, पेंट भी नहीं जाएगा, इवन की जो इसके हम ऊपर मार्क स्टिकर भी लगाते हैं ना, ये भी जितना टाइम पेंट चलता है ये आसानी से उतरते ही नहीं है इससे। अच्छा सर जी, तो सर आप ये बताइए, अगर कोई किसान भाई ये वीडियो देखने के बाद में जी इसको खरीदना चाहे जी, तो वो किस तरीके से खरीद सकता है आपसे। ऐसा है कि सर बेसिकली तो हम जब हमें कोई कांटेक्ट करता है किसान भाई, तो
हम उसको पहले उसका एरिया पूछते हैं। अच्छा, अगर तो वो हमारे डीलर नेटवर्क के अंडर आता है जी, तो हम उनको अपने डीलर रिकमेंड करते हैं कि हमारा इस शहर में या इस आपके एरिया में डीलर है, आप उनसे ले सकते हो। लेकिन अगर वहाँ पर हमारा डीलर ना हो जी, तो हम डायरेक्ट उनसे ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बताकर कि कितनी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है, वो फिर हम उनको मशीन डिलीवर कर देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हमारा एक्स्ट्रा रहता है इससे, क्योंकि ऐसा है कि कोई किसान भाई हमारा नज़दीक होता है, कोई दूर होता है जी, तो उनकी कॉस्ट आपस में मिल नहीं पाती जी, तो हमने इसी वजह से इनके इसके इंक्लूड नहीं किए ट्रांसपोर्ट चार्जेस। जितना डिस्टेंस होगा उस हिसाब से उनको ट्रांसपोर्ट के चार्जेस लग जाते हैं। तो वीर जी, आपने बहुत ही अच्छा सा टोका मशीन के बारे में बताया, कुट्टी काटने वाली मशीन के बारे में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू किसान साथियों, आपने ये वीडियो देखी, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमन त्यागी, रविजन फार्म फ्रेंड्स।